हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो लेके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ हाँ, मैं घर से निकल गई, तुम लोग भी पार्क में पहुँचो। हाँ ठीक है। किस्मत बदल दी देखी मैं, जोक बदल दा देखिया मैं बदल दे देखी। अरे दीपक बेबी, कहाँ जा रहे हैं? सूट में? जी आंटी। शादी शुदा हो के भी तुम सूट में जा रही हो? तुम्हारे सास और तुम्हारे पति कैसे है? कुछ नहीं बोलता है? छोटे छोटे कपड़ा पहन के तुम सूट में जाती हो? कैसे है तुम्हारा सास पति? छी, आजकल के बहू लोग कैसे है, शादी हो के भी छोटे छोटे कपड़े पहन के सूट में जाता है। छी छी छी, गलती तो इसका सास का और पति का ही है, बहू को इतना छूट दे के रखा है सूट में जाने के लिए। हेलो देवा, तू क्या शूट के लिए निकल चुका है? ठीक है, तुम निकल जाए, मैं आ रहा हूँ। जा रहा है? मैंने कुछ पूछा, कहाँ जा रहा है? ओ भाई, शूट पे जा रहा हूँ। ये शूट वूट बंद कर, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे जाके क्या बनेगा? ये शूट से कुछ नहीं होने वाला। भैया आपको तो पता ही है कि ये एक्टिंग मेरा पैशन है। पैशन से घर नहीं चलता, पैसा लगता है घर चलाने के लिए। पढ़ाई वढ़ाई पे तेरा ध्यान तो नहीं है, कम से कम तेरे पापा के काम पे हाथ तो बटा। आपको कहाँ जाना है बोलो ना। मैंने आज से तेरा शूट बंद। भैया मुझे बस आज जाने दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से शूट पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, आज जा, कल से तेरा शूट सब बंद। ठीक है भैया। सिमी, कहाँ जा रही तू? भैया शूट। इस शूट कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तू घर पे बैठ। पर भैया। परवर कुछ नहीं, अंदर जा। बहुत हो गया तेरा नाटक, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के शूट पे जाती है, कल को तेरे शादी कौन करेगा? लड़के वाले से बात किया मैंने, वो आते होंगे आज तुझे देखने के लिए। इस शूट कैंसिल, अंदर जा। पर भैया मुझे अभी शादी नहीं करनी है। 18 साल की हो गई है, अभी शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? जा अंदर जा। भैया आज मुझे शूट पे जाने दीजिए, मैं राखी दी को बोल दूंगी, मैं कल से नहीं जाऊंगी। ठीक है जा, और शाम तक जल्दी आ जाना, लड़के वाले आ रहे, याद है ना? ठीक है भैया। जल्दी चल, शूट के लिए लेट हो रहा है। अरे छोटू। अरे राज भैया, आप कहाँ जा रहे हो छोटू? आजकल तुझे गैरेज में दिखता नहीं है। ओ राज भैया, मैंने गैरेज का काम छोड़ दिया है, आजकल मैं यूट्यूब चैनल में काम करता हूँ, शूट करता हूँ, देखना एक दिन मैं हीरो बनूंगा। हीरो? तू हीरो बनेगा? तू और हीरो? क्यों राज भैया, मैं हीरो नहीं बन सकता क्या? तेरे शक्ल में हीरो नहीं सूट करता, तू गैरेज में ठीक है छोटू। राज भैया मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता हूँ और आगे जाके और भी अच्छा करने का कोशिश करूंगा। छोटू तू अपना हार्ट देख और अपनी शक्ल देख। तू गैरेज में ठीक है छोटू। इस शक्ल से और इस हाइट से तू हीरो नहीं बन पाएगा। ए शूट बूट छोड़ और तू कल से अपनी गैरेज जा। राज मैंने सही तो कहा, इस शक्ल से और इस हाइट से मैं हीरो कैसे बनूंगा? मैं राखी दी को जाके बोल देता हूँ, कल से मैं शूट पे नहीं आऊंगा, गैरेज में काम करूंगा। हाय गाइस, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, लाइव मैचेस देखकर आसानी से पैसे इनकम कर सकते हैं। इसके मैचेस गेम खेलने पर आप लैपटॉप, आईफोन, कैश प्राइस जीत सकते हैं। इस ऐप में खेलने के लिए आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे, जैसे कि क्रैश, क्रिस्टल, अंडर एंड ओवर, 21 और भी इंटरेस्टिंग गेम खेलकर आप आसानी से पैसे इनकम कर सकते हैं। रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड RKR100 यूज करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 33,000 तक का बोनस मिलेगा। आप आसानी से पेटीएम, बैंक एंड और भी तरीके से अपने जीते हुए पैसे को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में मैंने 1xbet का लिंक और प्रोमो कोड पिन कर दिया है। प्रोमो कोड का यूज करके अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा कैश प्राइस जीतिए। अरे बुलबुल, बुलबुल कैसी है?
देख लिया, मैंने तुझे कितनी बार बोला तुम उससे बात मत किया कर। मेरे मम्मी ने कहा है तुमसे बात नहीं करने के लिए। पर क्यों बोल? क्योंकि तुम सूट में छोटी कपड़े पहनती है। बोल, तू ऐसी बात बोल रही है? हम तो दोस्त है ना। दोस्त थे जब तू शूट नहीं करती थी, अब तू छोटे छोटे कपड़े पहन के शूट करती है तो हमारी दोस्ती भूल जा और दोबारा मुझसे बात मत कर। बहुत हो गया आज से ये सूट वूट बंद। मेरे वजह से मेरे पति मेरे सास को लोग इतना कुछ सुना रहे। नहीं, आज से मुझे ये सूट वूट नहीं करना। सब सूट बंद। क्या हुआ? सबका मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? कैसे बोलूं राखी दीदी को कि मैं कल से शूट पे नहीं आऊंगा? कुछ हुआ है क्या? देवा, बोल दे राखी दीदी को कल से तो शूट पे नहीं आएगा, गैरेज में ही काम करेगा। किसी में सोच मत, राखी दीदी को बोल दे घर वाले शूट नहीं करने दे रहे। रिया, राखी दीदी को बोल दे कल से तू शूट नहीं करेगी। तुम लोग कुछ कहो, उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि कल से हम शूट नहीं करेंगे। यही सोच रहे हो ना कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? मैंने बचपन से एक ही सपना देखा था, हीरोइन बनना है, एक्टिंग करनी है, लोगों के दिलों में राज करना। पर शादी से पहले मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। घर वाले सपोर्ट करना चाहते थे लेकिन मेरी परिस्थिति ठीक नहीं थी। पर ये मेरा एक्टिंग करने का सपना शादी के बाद पूरा हुआ, मेरे सास और मेरे पति के सपोर्ट की वजह से। लेकिन मेरे इस सपनों के चक्कर में ना जाने लोग मेरे सास और पति को कितना कुछ सुना रहे। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं शूट नहीं करूँगी, ये वीडियो बनाना सब बंद, क्योंकि मेरे इस सपनों के वजह से लोग मेरे पति और मेरे सास पर उंगली उठा रहे हैं। तो अब से वीडियो बनाना बंद। राखी दीदी, मैं भी शूट नहीं कर पाऊंगी, घर वाले चाहते हैं मैं शादी करूं। राखी दीदी, मुझे भी हीरो बनना था लेकिन मेरी इस शक्ल और हाइट की वजह से मैं कभी हीरो नहीं बन सकता। सब कहते हैं मैं ना गैरेज में काम करने के लिए ठीक हूँ, कल से मैं भी गैरेज में काम करूँगा। राखी दी, मेरे बड़े भैया नेवी में जा रहे हैं और वो पढ़ाई में मुझसे बहुत ही अच्छा है, और आपको तो पता ही है मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, मेरा एक्टिंग ही मेरा पैशन है, और इस मेरा पैशन की वजह से मेरे पापा को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई तो मुझसे होगा नहीं, कम से कम पापा को तो हेल्प कर दूँ, और मैंने इसीलिए सोचा है कि मैं कल से वीडियो नहीं बनाऊंगा। राखी दी, मैं भी शूट नहीं करूंगी, शूट में छोटे ड्रेस पहनने से मेरे आसपास के लोग मुझे गलत समझते हैं। वो लोग अपनी बेटियों से मुझे बात भी नहीं करने देते, वो लोग सोचते कि मुझसे बात करेंगे तो वो लोग बिगड़ जाएंगे। छोटे ड्रेस पहनने से कुछ गलत नहीं होता है रिया, पर ये बात सब नहीं समझते। कल से शूट बंद हो ही रहा है तो क्यों ना आज से ही शूट बंद कर दे। चलो सब लोग घर चलते हैं। पर राखी दी, शूट के बिना हम कैसे रहेंगे? और हम लोगों को तो आदत भी हो गया है। इस सूट की वजह से ना सबको प्रॉब्लम हो रहा है, अब से कोई वीडियो नहीं बनेगा, सब घर चलो। हम आपको बढ़िया देखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है? आपको वीडियो अच्छा लगता है? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है? इस वीडियो की वजह से इतने छोटे बच्चे हमें जान रहे हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, प्रॉब्लम से हार नहीं मानना है, उसका मुकाबला करना है। जितने भी मुझे ताने मिले हैं ना, सबको तारीफ में बदलनी है। अब तुम लोग मेरा साथ दोगे तो राखी दी शूट करें। राखी दी, आज बच्चे ने जाने, कल पूरी दुनिया जानेंगे, तो चले शूट करें। दिव्य, सीन तो पता है ना? तो ठीक है, रेडी, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। कट, राहुल देवा
रेडी एक्शन। राहुल तुझे चोट तो नहीं लगी ना? नहीं राखी जी, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे राज भैया आप मेरे घर के सामने? अरे देवा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ भैया बोलिए ना। दूसरी सीधा तुम? ओ देवा मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, कितना अच्छा एक्टिंग करते हो तुम, कितना फेमस हो गए हो। एक सेल्फी लेना था तुमसे। सेल्फी लेगा ना भाई? हाँ हाँ राज भैया लीजिए ना। थैंक यू भाई, थैंक यू। देवा एक बात बोलूँ? हाँ बोलिए। उस दिन का पास है तू बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नहीं राज भैया बुरा क्यों मानूंगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ भैया। ठीक है बाय। अच्छा वसीमी तू उस दिन मेरी बात नहीं मानी शादी करने वाली। मुझे लगता था कि तेरे इस सूट के कारण तेरे लिए रिश्ते नहीं आएंगे, पर मैं गलत था। आज तेरे लिए इतने अच्छे से रिश्ते आ रहे हैं। पर तेरी शादी तब होगी जब तू चाहेगी, और अपना नाम रोशन कर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ भैया मैं अपने नाम के साथ साथ पूरे फैमिली के नाम रोशन करूँगी। अरे राहुल सूट से आ रहा है? जी भैया। तुझे पता है आज मैं मार्केट गया था, वहाँ पे तेरे फैन लुक मिले, बोल रहे थे कि आप राहुल के बड़े भैया हो ना, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मेहनत कर और अपनी पहचान बना। जी भैया। उस दिन तुमने मेरा बात ना मान के बहुत अच्छा किया, आज तुझे कितने लोग जानता है। चल ठीक है अब तू जा, जाके रेस्ट कर। जी भैया। अरे राखी बेटा। जी आंटी जी। हाँ बेटा तुम्हारा वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही काम करो आगे बढ़ना। शादी शुदा हो के भी तुम सूट में जा रही हो? तुम्हारे सास और तुम्हारे पति कैसे है, कुछ नहीं बोलता है? छोटे छोटे कपड़ा पहन के तुम सूट में जाती हो, कैसे है तुम्हारा सास पति? सूट में जा रहे हो बेटा? जी आंटी जी। ठीक है उस दिन में जो मैं बोला ना वो बुरा मत मानना है। ठीक है ठीक है आंटी जी, अभी मैं निकलती हूँ। प्रॉब्लम ना सबके लाइफ में आती है, प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम से लड़ो, क्योंकि जब भगवान आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना तो प्रॉब्लम भी जरूर देते हैं। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, लड़ना है, फिर सक्सेस मिल के रहेगी। बाय। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। गाइज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसी तरह मेरा हाथ थामे रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।